सैमसंग गैलेक्सी M31s का बॉक्स और आज इस वीडियो में इसको अनबॉक्स भी करेंगे और ऐसी अनबॉक्सिंग करेंगे जैसे आपने देखी भी नहीं होगी और एक क्विक रिव्यू भी करने वाले और सबसे जरूरी चीज इस फोन का गिव अवे भी होने वाला है। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड तक वीडियो देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में एग्जैक्ट और अच्छे तरीके से मिल जाएगी और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगी कि आप लोग गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बात करें इसके बॉक्स के ऊपर तो यार इसके ऐसी अनबॉक्सिंग करते हैं जैसे अभी तक आपने देखी नहीं होगी। यहाँ आने की अभी इसे पहली फुर्सत में अनबॉक्स करने वाले हैं। तो एक चुटकी बजाते ही इस फोन को कर दिया है हमने अनबॉक्स और देखे तो बॉक्स के अंदर तो काफी सारी चीजें जैसे यूएसबी टाइप सी केबल, 25 वॉट का फास्ट चार्जर, एक पेपर वर्क क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह देखने को मिलती है, सिम कार्ड इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। कहा था ना अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और इसी के साथ ही बात करें तो जो मेरे पास ये जो मॉडल है ना ये है 19,500 रुपीस का 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला मॉडल। और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो 128GB स्टोरेज मॉडल है ना ये है UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज। और इसी के साथ ही पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ आपको ग्लास डिस्प्ले देखने को मिलता है। वेल सिमिलर चीज है ना ऐसी आपने पहले काफी सारे दूसरे सैमसंग के फोन्स में देखी है, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ ये एक फैंसी वे है कहने की ये ग्लॉसी प्लास्टिक यानी पीछे प्लास्टिक देखने को मिलता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें साइड्स की तो राइट हैंड साइड की तरफ आपको देखने को मिलता है पावर बटन जिसके अंदर आपको बिल्ट इन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है यानी कि फिंगरप्रिंट पीछे से हटके पहुंच चुका है साइड में पावर बटन के पास। और हाँ इसी से आप टच करके भी अनलॉक कर सकते हैं यानी कि आपको बार बार पावर बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही जो वॉल्यूम रॉकर्स होते हैं ना उनकी पोजिशन थोड़ी सी ऊपर हो गई तो ऑब्वियसली हाथ की पोजिशन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको देखने को मिलती है ट्रिपल स्लॉट यानी कि दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। बॉटम में आपको देखने को मिलता है एक हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट और मोनो बॉटम फायरिंग स्पीकर यानी कि सिंगल स्पीकर दिया गया है, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड है लेकिन ये मोनो है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें ओवरऑल फोन के तो फोन है ना थोड़ा सा भारी लगता है क्योंकि इस फोन का जो वेट है ना वो है अप्रोक्सीमेटली 200 grams। अब मतलब ये कहने का कि फोन थोड़ा सा भारी है, इवन इसकी जो थिकनेस है वो भी है 9.3 mm। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक 6000 mAh की बैटरी लगी है। जी हाँ, एक 6000 mAh की बैटरी लगी है विथ 25 watt के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 25 watt का फास्ट चार्जर बॉक्स में भी मिलता है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है यानी कि आप इस फोन को जल्दी चार्ज कर सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। इवन मैंने जब से इस फोन को बॉक्स से निकाला है ना तब से इसको चार्ज भी नहीं किया है, ऑलमोस्ट 35% इसकी बैटरी बची हुई है। काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है क्योंकि इसको काफी ज्यादा यूज कर लिया मैंने। और इसी के साथ ही एक और बात बता देना चाहता हूं, इस फोन को यूज आप पावर बैंक के तरीके से भी कर सकते हैं यानी कि इस फोन से रिवर्स चार्ज का यूज करके आप किसी भी नॉर्मल फोन को चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, ये चीज भी पॉसिबल है। लेकिन इसी के साथ ही इस फोन का जो सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा ना वो था इसका डिस्प्ले यानी कि सामने की तरफ आपको इन्फिनिटी ओ 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सैमसंग जो रहती है ना वो सबसे अच्छे पैनल बनाती है मोबाइल फोन की दुनिया में। यहां तक कि मतलब अगर आप सैमसंग का एमोलेड स्क्रीन यूज कर रहे हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी, यहां तक कि ब्राइटनेस लेवल भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो कलर का जो विविडनेस है ना वो काफी अच्छी आपको एमोलेड स्क्रीन में देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की भी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फोन के ऊपर, तो यार ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ आपको एक रेक्टेंगुलर कैमरा हाउसिंग में मल्टीपल कैमरास देखने को मिलते हैं जो कि एल शेप में है। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन जो प्राइमरी और जो मेन कैमरा है जिसे सब लोग फोटो खींचना पसंद करते हैं ना वो एक 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। और इसकी खास बात बताऊं आप लोगों को, यह है 64 मेगापिक्सल का सोनी का इमेज सेंसर जो कि है IMX682। जी हां, मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है, सैमसंग के फोन में आपको एक सोनी का इमेज सेंसर देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इसका मैं कैमरा रिव्यू करूंगा, वहां पे आपको बताऊं कि एग्जैक्टली जो नया सेंसर है क्योंकि इंडिया में आने वाला है पहला फोन होता है जिसमें आपको ये इमेज सेंसर देखने को मिल रहा है। और यहां पे मैंने इनिशियली डे लाइट में कुछ इमेजेस ली, देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसे ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल रहा है, वो भी काफी अच्छा है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, लेकिन डे लाइट के अंदर ये अच्छे शॉट्स ले सकता है तो आप उन्हें भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक डेप्थ सेंसर है, मतलब आप लोग जानते हो पोर्ट्रेट वगैरह इमेजेस ले सकते हैं और डेफिनेटली जो डेप्थ में जो बैकग्राउंड है ना उसे भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यार ये कुछ इमेज सैंपल
हो जाते हैं उसके। तो ओवरऑल देखा जाए तो उस कैमरे को ना मैं डेफिनेटली इन डेप्थ में टेस्ट करने वाला हूँ, स्पेशली लो लाइटिंग के तक, क्योंकि लो लाइटिंग में अभी इसको मैंने टेस्ट नहीं किया। मेरे को लगता है कि 64 मेगापिक्सल का जो नया इमेज सेंसर है वो अच्छा काम करेगा। वैसे जो 64 मेगापिक्सल की जो इमेजेस आपने देखी ना, बाय डिफॉल्ट जो फोन है ना वो 16 मेगापिक्सल में खींचता है इमेजेस, ये बात आप नोटिस करके रखिए। इसी के साथ ही कैमरास के दूसरे फीचर्स की बात करें तो सिंगल टेक फीचर मिलता है जो कि ऑलरेडी सैमसंग के हाई एंड डिवाइसेस में आप देख चुके हैं। इसी के साथ ही इस फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का मोड, 1080p के अंदर EIS यानी कि स्टेबलाइजेशन का मोड देखने को मिलता है। सामने की तरफ सेल्फी के अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहां भी आप सेल्फी में 4K वीडियो सेल्फी में रिकॉर्ड कर सकते हो और स्लो मोशन सेल्फी का भी ऑप्शन दिया है। और वही बात करें इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहां पे आपको One UI 2.1 देखने को मिलता है जो कि Android 10 पे बेस्ड है और जो Samsung One UI के जो फीचर्स होते हैं ना वो आपको यहां पे सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे की बात करें यहां पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, डार्क मोड भी इसके अंदर काफी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि AMOLED डिस्प्ले तो डार्क मोड काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसी के साथ ही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस का इक्वलाइजर, पावर सेविंग मोड, यानी कि जितने भी आपको वन यूआई के फीचर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी जो बैंड एप्स होती है वो आपको देखने को नहीं मिल रही। हां ब्लोटवेयर आपको इसमें कुछ देखने को मिलते हैं लेकिन ऐसे कोई अनोइंग वाली चीज नहीं है और आप इन्हें इजिली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहां तक कि इसके अंदर आपको सैमसंग की कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स, माइक्रोसॉफ्ट की कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी एप्स हैं, और नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो भी प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलते हैं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसी के साथ ही नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो तो है लेकिन यहां पे HD में भी स्ट्रीमिंग करने के कैपेबल है क्योंकि इस फोन के अंदर आपको वाइडबैंड L1 का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है और ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पे काफी अच्छी चीज है। लेकिन जहां पर मेरे को ये फोन एक छोटा सा अपग्रेड नहीं लगा वो था इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर इस फोन के अंदर ये है Exynos का 9611 चिपसेट। वैसे देखा जाए तो काफी ट्रस्टवर्दी चिपसेट है लेकिन थोड़ा सा पुराना हो चुका है और ऑलरेडी हम काफी सारे सैमसंग के फोन से जिसमें हमें जो चिपसेट है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ एक बात बता देना चाहता हूं, जब मैं इस फोन को सेटअप कर रहा था तो काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग वगैरह हो रही थी, नोटिफिकेशन वगैरह आ रही थी तो वहां पे मैंने एक माइनर स्टटर नोटिस किया। लेकिन देखा जाए तो जनरली जो नॉर्मल कंज्यूमर है ना वो ऐसी चीजें नोटिस नहीं करेगा लेकिन मैंने इसे नोटिस किया क्योंकि देखा तो 9611 जो चिपसेट है ना वो एक अच्छा चिपसेट है लेकिन वो हैवी गेमिंग और हैवी यूजेज के लिए बनाया नहीं गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि फोन इतना अच्छा नहीं है, फोन जो डेफिनेटली जो बेसिक टास्क है ना वो आपके हैंडल कर सकता है। इसके साथ ही जो बेसिक परफॉर्मेंस है ना वो भी आपको अच्छी देखने को मिली क्योंकि उसके बाद से लेकर इस फोन को थोड़ा और यूज किया तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि इसको छोड़ के हर जगह अपग्रेड किया गया, यानी कि आप देखो बैटरी में, चार्जिंग में, कैमरे में, डिस्प्ले में, यहां पे आपको अपग्रेड देखने को मिलता है। यहां तक कि मार्केट में मौजूद सबसे सस्ता फोन हो जाता है जहां पे आपको इन्फिनिटी ओ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 20,000 रुपए के कम के प्राइस पॉइंट पे। अभी भी होल पंच डिस्प्ले की एंट्री 20,000 से कम के प्राइस पॉइंट पे हुई नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके साथ ही ओवरऑल काफी अच्छा फोन हो जाता है, यानी कि अगर मेरे को पर्सनली भी एक फोन चूज करना है तो डेफिनेटली 20,000 के अंदर प्राइस पॉइंट है तो मैं इसी फोन को चूज करना पसंद करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली देखा जाए तो प्रोसेसर ही फोन में सब कुछ नहीं हो जाता, ओवरऑल पैकेज को देखा जाता है। और ओवरऑल फोन के अगर मैं पैकेज को देखूं ना तो काफी अच्छी चीज आपको डिलीवर कर रहा है और सैमसंग की तरफ से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि आपको काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिल रहा है। जी हाँ, मैं बोलना चाहूंगा मतलब 20,000 के अंदर अगर आप कोई सैमसंग का फोन लेना चाहते हो ना, ये फोन एक काफी अच्छी रिकमेंडेशन हो जाता है। मतलब अगर आपको हैवी गेमिंग वगैरह नहीं करनी आप इस फोन के ऊपर एक बार लेने का सोच सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ थॉट्स इस फोन के बारे में, बाकी अब बात कर लेते गिव अवे के बारे में। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और नीचे अपना एक ही कमेंट करना, यानी कि सिंगल कमेंट करना, और वहां पे अपनी इंस्टाग्राम की जो आईडी होती है ना वो नोट कर देना, यानी कि जब भी मैं गिव अवे का विनर पिक करूंगा रैंडम कमेंट पिकर से तो वहां पे उसकी जो इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी ना तो मैं वहां पे उसे DM कर सकता हूं और इवन इंस्टाग्राम पे मैं उसकी स्टोरी में भी शेयर करूंगा और उसे एक शाउट आउट भी दूंगा उसकी जो इंस्टाग्राम हैंडल होता है उसका यूज करके। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यहां पे जो मेरा होता है ना इंस्टाग्राम हैंडल वो रहा। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, गिव अवे में जरूर से पार्टिसिपेट करना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।